सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ, कतक कर्म कमावणे, दोष ना काहू जोग, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। कतक कर्म कमावणे, दोष न काहू जोग, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। विमुख होए राम ते लगन जन्म बिजोग, खिन मह कौड़े हो गए जितड़े माया भोग। विच ना कोई कर सकै किस थैं रोवै रोज, कीता किछु ना हो वई लिखिया तुर संजोग। वडभागी मेरा प्रभ मिलै ता उतरें सब प्योग, नानक कहो प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोज। कतक होवै साध संग बिनसै सबे सोच, कतक होवै साध संग बिनसै सबे सोच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग जुगो जुग अटल, गुरगति ते सुभाईमान, सर्वसांझी वालता दे रहबर, नाम के जहाज हल्त पल्त दे रखक, लोक परलोक दे सहायक, हाजिर नाजिर धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, पातशाह जी दे पावन चरणा अंदर सुशोभित होए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनू आप वडभागे हो। अमृतमई बाणी दा रस बिना कीर्तन, गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई परमजीत सिंह जी होरां दे जथे पासो, आप जी बड़े ही प्यार अदब सहित सरवण कर रहे सी। उपरंत बारहवां बाणी दी विचार साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, पंचम गुरदेव पातशाह जी के पावन मुखारबिंद तो उचारण, जो माझ राग विच बाणी सुशोभित है, उसकी विचार दे नाल असी रोजाना सांझ पाते हाँ। असू दे महीने तक शब्दों के विचार आप जी पिछले दिन ही सरवण कर चुके हो। कतक दे महीने दे शब्द तो अज दी ए विचार आरंभ है। आप सब माई भाई मना नूं गुरचरणां दे विच एकाग्रत करो, सुरतियां नूं गुर शब्द नाल जोड़ो, प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत दे महावाक अनुसार मना नूं सावधान करो, सुरतियां नूं गुर शब्द नाल जोड़ो, बड़े ही प्यार अदब सहित रस बनी आवाज विच उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। कतिक कर्म कमावणे, दोष न काहू जोग, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। कतक कर्म कमावणे, भादों के शब्द के दो भावों का जिक्र किया, दुबदा का जिक्र। असू के महीने विच रब्बी प्रेम उछाले मारन लग पिया,
पर कत्तक का जो महीना आया आत्मक जीवन का कत्तक जिदे विच मनुख की जिंदगी विच बीजे हुए बीजां दे फल सामने आ रहे ने सुभावक इको दम प्रभु का मिलाप किवें मिल जाए। जेड़े बीज बीजे जा चुके ने आखिर उहदी फसल ते वढ़नी हुई। सतगुरु जी ने कर्म की गल की शब्द विच कत्तक कर्म कमावणे जिहड़े मनुख ने कर्म कमाए हुए ने इस जगत दे विच हर मनुख जिहड़ा मैं मेरी च फसिया होया है। गुरु नानक साहब जी दे ए बचन ने आसा की वार दे हर मनुख आखदा है ये जी कोठी मेरी अपनी ये घर मेरा अपना ये कार मेरी अपनी ये कुर्सी मेरी अपनी ये मेरे धियां पुत्र ये मेरा संसार ये मेरा परिवार आ भी चीज़ मेरी आ भी चीज़ मेरी बस इस जीव दे विच इस चीज़ दे विच हर जीव उलझा हुआ है। हर मनुख कह रहा है भी आ भी चीज़ मेरी अपनी आ भी चीज़ मेरी अपनी आ घर अपना ये जमीन अपनी। जिहड़ा मनुख मैं मेरे च नहीं फसिया दसो कौन है कोई भी नज़र नहीं आ रहा। गुरु नानक साहब जी के बचन नहीं सब को आखे अपना अपना मैंने मेरा है हर कोई कह रहा है सब को मैंने हर कोई आखद सब को आखे अपना हर कोई कह रहा है ये घर मेरा अपने ये परिवार मेरा अपने जमीन मेरी अपनी है ये कुर्सी मेरी अपनी है। सब को आख है अपना जिस नाही सो चुन कढ़ी है जिहड़ा नहीं मैं मेरे च फसिया वह चुन के कढ़ के दसो किहड़ा है वो कौन है मनुख इस जगत ते जिहड़ा कहे मेरा कुछ भी नहीं है हर कोई मैं मेरे च फसिया है ये चीज़ मेरी अपनी वो चीज़ मेरी अपनी आ भी मेरा अपना वह भी मेरा अपना सब को आख है अपना जिस नाही सो चुन कढ़ी है। जो गुरु नानक साहब जी ने यह वचन किया तो मनुख मायूस हो गया मनुख उदास हो गया जी सतगुरु फिर मेरा कुछ भी नहीं है इस जगत विच मेरा अपना कुछ भी नहीं। गुरु नानक पातशाह कह लगे उदास ना हो एक चीज तेरी अपनी है तू दावे नाल कह दे मेरी तू छाती ते हाथ मार के छाती ठोक के कह दी आह चीज़ मेरी अपनी है एक चीज़ तेरी है तू दावे नाल कह सकता है मेरी। जीव बड़ा हैरान होया कहन लगा है मेरी भी कोई चीज़ है कहन लगे हाँ तेरी एक चीज़ है तू कह दिया करी साफ कह दी है चीज़ मेरी पूछे वो कि सतगुरु कहन लगे जेड़े कर्म कर रहे हैं ये तेरे ने सब को अख है अपना जिस नाही सो चुन कढ़ी है पूछे मेरा कुछ भी नहीं कहने लगे नहीं कीता आपो अपना कर्म मनुख दे अपने ने कर्मा पक्षों तू स्वतंत्र है तू दावे नाल कह सकदा है कम मैं कीता है कीता आपो अपना आपे ही लेखा संडी है आप ही हिसाब किताब भोगुण इन्ह कर्मा का कर्म तेरे अपने ने। योगी जति सन्यासी अवधूत अवधु तपस्वी मुनि मुनिशर भिक्षु बोधि जैनी त्यागी सन्यासी ये सारे घर परिवार छड़ के जंगल पहाड़ चले गए असी सब कुछ छड़ दिता त्याग दिता है असी सब कुछ छड़ दिता है नाम दे दिता उन्होंने त्याग का और इन्हें याद रखियो त्याग ना की कोई चीज़ नहीं है कुछ भी नहीं त्याग ना की चीज़ उन्हें कह दिता असी घर त्याग दिता असी जमीन त्याग दी परिवार त्याग दिता धन त्याग दिता त्याग क्यों त्याग दिता असी रब लेना चाहते हो असी प्रभु नूं हासिल करना चाहते हैं फिर त्याग कहदा होया त्याग तो इन्हां दा होया।
ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਤਿਆਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਆਪਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੌਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਦਾਰਥ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਆਗ, ਅਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੁਛ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਿਆਗ ਤਾਂ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੈ ਤਿਆਗ। ਤਿਆਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਆਗ। ਪਰ ਜੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਰੱਬ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਝੂਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ, ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥ, ਪਰਮਾਰਥ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਮਿੱਟੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਿਆਗ, ਭਲਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਪੱਥਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗੀਨ ਪੱਥਰ, ਚਮਕਦਾਰ ਪੱਥਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਏਡੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਪੱਥਰ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਘੁੰਮਣ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਇਹ ਰੰਗੀਨ ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤਿਆਗੀ ਲੱਗੇ, ਬੜੇ ਤਿਆਗੀ ਨੇ, ਏਡੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਢੇਰ ਰੰਗੀਨ ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਸੁੱਟ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗੀ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਤਿਆਗੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਬੜੇ ਬੁਝੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਜੇਬ 'ਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਹੀ ਆਇਆ। ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗੀਨ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਿਆਗੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਿਰਧ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣਿਆ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਨ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਪੱਥਰ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤਿਆਗ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਸਨ,
पर मैं सोच रहा सी मेरे माता पिता बड़े त्यागी ने, त्यागी नहीं सी असल चो ज्ञानवान सन भी पत्थर ही ने, उन्हें त्याग नहीं किया, सिर्फ ज्ञान आ गया पत्थर ने, अज मैनू ज्ञान आ गया ये पत्थर ने, अज मैं सुट दते, अज मैं समझ लग गई भी हीरा ये है ये पत्थर ने। तो कोई पत्थर का भी त्याग करता होंगे कि हूँ मैं पत्थर त्याग दिया। जिन्ना चिर कोई संसार में छड़ के जा रहा है यह मतलब संसार में कीमती समझ रहा, त्याग कर रहा है, पर जो किसी को ज्ञान हो जाता है पत्थर ही ने, वो पत्थर के ढेर से बैठा भी जिंदगी गुजार जाता है, क्योंकि वो नज़र पत्थर ने ज्ञानवान हो गया ना, फिर उन्होंने त्यागन की लोड़ नहीं, फिर पत्थर त्यागन की जरूरत नहीं पैंती, पत्थर छुट जाते हैं, फिर उन्होंने त्याग नहीं मनिया जाता। जो ज्ञान आ जाता है पत्थर ही ने, यह मिट्टी ही है, बस इना ज्ञान आ जाए उन्होंने फिर त्याग नहीं मनिया जाता। दुनियावी हीरे भी तो पत्थर ने, जिन्हों आत्मक ज्ञान मिल जाता है उन्होंने पता है रब का नाम कीमती हीर है, जो नाम के हीरे नाल जुड़ जाता है उदो संसार के पत्थर वैसे ही छुट जाते हैं, फिर त्याग नहीं मनिया जाता, उन्होंने ज्ञान मनिया जाता है, त्याग ना दीती चीज ही कोई नहीं। किन्नी बनजिया कंसी तांबा, किन्नी लौंग सुपारी, संतों बनजिया नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी। संसारी छड़नी नहीं पई, त्याग नहीं करना पिया, ज्ञान आ गया भी ते पत्थर ही सन, हीरा मिल गया ना वो पत्थर छुट गए, त्याग नहीं करना पिया, भला पत्थर का भी त्याग करना होंगे, जोड़ा त्याग कर रहा है यदा मतलब वो मन में अहमियत है, कीमत है, पर जिन समझ लग गई पत्थर ही ने, फिर वो त्याग नहीं मनता, छड़ना कह देंगे ने, संसार छड़ना नहीं पिया, जिदन हीरा मिल गया नाम का संसार छुट गया, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी, छूट गई। जोगी जति सन्यासी अदूत घर पर छड़ के जंगलां पहाड़ां च चले गए, त्याग किया उन्होंने, पर एक थां ते आके वह भी रुक गए, वह शरीर के तल ते आके रुक गए, घर छड़िया परवाह नहीं मनी, जमीन छड़ी परवाह नहीं मनी, परिवार छड़िया परवाह नहीं मनी, माया छड़ी परवाह नहीं मनी, पर जो घर छड़ के तुरे लोटा नाल चुके आए, बाटा जरूर चुक लिया उन्होंने नाल, क्यों पता भी शरीर नूं भुख लगनी है, भोजन खिच पवावांगे, शरीर के तल ते आके रुक गए, शरीर तो मेरा अपना है ना, ये घर बार जमीन जायदाद मेरी अपनी नहीं, शरीर मेरा अपने, इस शरीर को भुख लगेगी की करांगा, फिर उन्हें की किया बाटा चुक लिया, बाटा लैके संसार को छड़ के आ गए, फिर उस बाटे को घर घर लैके गए, मंगिया भीख मंगी, जो लोगों ने बाटे च पाया खान लग पे, आप तो मंगते बने ही बने, उन्हें बाटे को भी भिखारी बना दिता, धर्म की दुनिया में बाटा भिखारी बन गया, ये तो कलगीधर पातशाह की कृपा है, जिन्हें कहा कि वह बाटिया इन्हों अखोती धार्मिक लोगों ने तेनों मंगता बना दिता है, तू गुरु नानक के दर से आके देख मैं तेनों दाता बना देंगा, गुरु ने उस बाटे का जीवन ही बदल दिता, जिहड़ा मंगता बन के बाटा दर दर तो मंगता सी, गुरु ने उस बाटे में अमृत भरपूर कर दिता, तो वह बाटा दुनिया में जिंदगी बरतान लग पाया, अमृता देन लग पिया, गुरु ने उस बाटे को दाता बना दिता, ले दुनिया को जिंदगी दे, संसार को अमृत वरता। धार्मिक मनुख इस तल ते आके रो गया भी शरीर तो मेरा है ना, फिर शरीर के जीवन की खातर, शरीर को संभालन की खातर बाटा फड़ के लोगों तो मंगता रहा, भोजन मंगया, शरीर की खातर कपड़े मंगे, शरीर की खातर इन्हें झोंपड़ी भी बनाई, शरीर के तल ते आके रो गया। गुरु नानक पातशाह ने वचन किया है, धार्मिक मनुख इन्ना याद रखी, शरीर भी अपना नहीं है, कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना, आ चमड़ी का चोला भी संसार से छड़ना ही पैने, यह भी तेरा अपना नहीं है। फिर वह धार्मिक लोग जोगी जति वह भी हैरान होए, हैं बाबा नानक फिर साड़ा अपना कुछ भी नहीं, असीं तो घर बार भी छड़ के आ गए,
सोचा सी शरीर अपने ये भी अपना नहीं, कह लगे नहीं ये भी अपना नहीं, वो मायूस हो गए। फिर अपना है कि सतगुरु कह लगे एक चीज थोड़ी अपनी है, कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना, मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना। आ चंगे मंदे कर्म थोड़े अपने ने, दावे नाल कह सकते हो कर्म मेरे और कुछ भी अपना नहीं। तू कह दई कर्मी आपो अपनी, कर्म आपो अपने ने। कोई चंगे कर्म करे प्रभु दे नेड़े हो जाए, कोई बुरे कर्म करे रब तो दूर हो जाए, ये अलग गल है। पर ये गल पक्की है कि कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, कर्म आपो अपने ने। हुण मनुख दे कोल इक्को एक चीज उहदी अपनी है, वह है कर्म। कर्म पक्खों मनुख सुतंत्र है। फिर एक सवाल पैदा होंदा है, कर्म मनुख दे ने फिर रब दा हुक्म की होया भला? रब हुक्म करता है, उहदे हुक्म च संसार है, उहदे हुक्म च जगत, मनुख पशु पंछी, इत्थों तक पत्ता पत्ता उहदे हुक्म च है। असीं कहिंदे आ रब दे हुक्म तो बिना पत्ता भी नहीं हिलदा, फिर वह की है? जे कर्मा पक्षों मैं सुतंत्र हाँ, फिर रब का हुक्म की होया? उहदे हुक्म तो बिना पत्ता भी नहीं हिलदा। याद रखियो, जदों तुसी हुक्म दी डेफिनेशन, हुक्म दी परिभाषा तुसी ऑर्डर करोगे, आदेश करोगे, रब का हुक्म, रब का आदेश, उहदी मर्जी, फिर वो रब डिक्टेटर हो जाएगा, फिर उन्हें तानाशाह समझा जाएगा। जे उहदी मर्जी है असी कुछ करन योग नहीं, फिर आ गुरुद्वारे बनाने की की लोड़ है? फिर गुरबाणी का प्रकाश करन की की जरूरत है? फिर सवेरे शाम नित्यनम कथा कीर्तन सारा कुछ करन सुनन की की लोड़ है? पाप मनुख करदा रहे, उहदा हुक्म होएगा तो बच जावांगे, नहीं होएगा तो नहीं सी। फिर क्यों इत्थे कहा जाता है क्रोध छड्डो, निंदा छड्डो, झूठ छड्डो, क्यों कहा जाता है? फिर लोड़ ही नहीं किसी नूं कहण दी, क्योंकि उहदे हुक्म च असीं निंदा करदे हां, उहदे हुक्म च झूठ बोलदे हां, उहदे हुक्म च पाप करदे हां। जदों हुक्म दा अर्थ तुसीं करोगे रब दी मर्जी, उहदा ऑर्डर, फिर रब डिक्टेटर हो जाएगा, फिर बेइंसाफी हो जाएगी, फिर इंसाफ नहीं मनिया जाएगा। कि एक बंदा वो जहर बीज के कहे, कंडे बीज के फिर कहेगा मालका मैनु मिठे फल दे दे, फिर वो जहर बीज के कहेगा मालका मैनु अमृत दे दे, फिर तो बेइंसाफी होएगी ना। कि बीजे बिख मंगे अमृत, वेखो ये न्याओ, फिर कदा न्याओ होया? फिर तो बेइंसाफी होई, फिर तो उहदी मर्जी दा हुक्म, किसी नूं सुख दे दे, किसी नूं दुख दे दे, किसी नूं धर्मी बना दे, किसी नूं पापी बना दे, फिर तो उहदा हुक्म। फिर कानूं असीं किसी नूं दोष दिंदे हां कि तू पाप कर रहे हैं? कोई चोरी करदे नूं सज़ा देने की जरूरत ही नहीं है, उहदे हुक्म च चोरी की। कोई कतल कर रहे नूं सज़ा देने की लोड़ ही नहीं है, उहदे हुक्म च कतल होया। मैं तुहाडे नाल सफ़र करदा होवां, तुहाडे नाल तुरिया जांदा होवां, तुहाडा कोई बैग कोई परस खो के लै जाए तो मैं तुहानूं तसली देवां नहीं नहीं बहुत चंगा होया, कि पिछले जन्म के तुसी खोया होएगा, इस जन्म च उन्हें खोलिया हिसाब बराबर, उहदे हुक्म च खो के लै गया, उहदा हुक्म मनो। फिर तो किसी अपराधी नूं सज़ा देने की जरूरत ही नहीं है। सड़क ते एक्सीडेंट हो गया, कोई जख्मी होकर तड़फ रहा है, उहदे हुक्म च एक्सीडेंट होया, असी कौन आ उहदे हुक्म नूं टालण वाले? उहनूं चुक के होस्पिटल लै जाइए, फिर की लोड़ ले जाण दी? रब ने चाहिया वो कर रहा, फिर साढ़े ते कोई दखलंदाजी है ही नहीं है। हुक्म दा अर्थ जे मर्जी करोगे फिर वो डिक्टेटर नजर आएगा, रब तानाशाह नजर आएगा। जदों हुक्म दा अर्थ तुसी करोगे नियम रूल्स, फिर समझ आएगी हुक्म की है। हुक्म दा मतलब नियम, उहदे कुछ रूल्स ने, उहदे कुछ रेगुलेशंस ने, उहदा कोई लॉ है, उहदा कोई कानून है, उहदे कुछ नियम ने।
ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਿਮਾਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਨਿਮਾਣ ਵੱਲ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾੜਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਹੱਥ ਸਾੜ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਕਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਨਮ ਲਏਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਬਾਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਛ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਵ ਕੁਛ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘਾਹ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੈਲ ਲਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਗਣੇਸ਼ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਵਾ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਹੱਥ 'ਤੇ ਛਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਨਾਤਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਬਾਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੋਏਗਾ। ਪੌਦਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੁਰਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਨਿਯਮ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹੈ, ਖੋਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਖੋਜਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਲਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਖੋਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮ ਖੋਜਿਆ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਜਿਆ ਪਾਣੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਚੇ 'ਤੇ ਪਵਨਾ ਪਿਆ, ਪਵਨੇ 'ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ। ਪਵਨ ਤੋਂ ਜਲ ਬਣੇ ਹੈ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਗਏ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅੱਗ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗ ਦੇ ਲਈ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਸਹਾਇਕ ਗੈਸ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅੱਗ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅੱਗ, ਆਕਸੀਜਨ ਅੱਗ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਅੱਗਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਦੋ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਗੰਢ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਅੱਗ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗ 'ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਪੌਣ ਉਪਾਏ ਧਰੀ ਸਭ ਧਰਤੀ, ਜਲ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਧ ਕੀਆ। ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਨੀ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਦੋ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਪਾਣੀ। ਜਲ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਧ ਕੀਆ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਦੋ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਗਏ। ਅਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋ ਗੈਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਖੋਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਣ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ,
रब दे सारे नियम कही ही नहीं जा सकते। सारे गुरु ग्रंथ साहब दे विच जे तुसी हुक्म दे अर्थ मर्जी करोगे फिर मुगालता बनी रहेगी, जो हुक्म दे अर्थ नियम करोगे तुहानू भाव स्पष्ट हो जाएंगे। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहिया जाई, हुक्मी होवन जी, जिन्हें जीव पैदा हो रहे ने उहदे नियम दे अनुसार पैदा हो रहे ने, नियमां तों बाहर कोई पैदा नहीं हुंदा। कि कोई बाबा तुहानू वर दे दे ते तां पैदा हो जाए, उहदा कोई नियम पिछे काम करदा है। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले वडियाई, उहदे नियमां दे विच ही वडियाई मिलदी है। किसी नूं मिठा बोलोगे तुहानू मिठा मिल जाएगा, चंगे कर्म समाज विच करोगे तुहानू वडियाई मिल जाएगी, उहदे नियमां दे विच ही वडियाई मिलदी है। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाई है, रब्बी हुक्मां दे विच उहदे नियमां विच ही चलिया कोई उत्तम बन जांदा, कोई नीच जिहड़ा धर्म कर्म करदा है वह उत्तम जीवन वाला हो जांदा है। उहदे नियम कहिंदे ने जिहड़ा समाज विच पाप करेगा वह नीच मन्निया जाएगा, उहदे हुक्म विच सुख दुख ने। मैं किसी नूं मिठा बोलांगा मैनूं सुख मिल जाएगा, मैं किसी नाल बुरा करांगा मैनू भी दुख मिलेगा, उहदे नियमां अनुसार ही सुख दुख मिलदे ने। मैं चंगे कर्म करदा सुखी हो जाना, आत्मक तौर पर आनंदित हो जाना, मैं बुरे कर्म करदा तो अंदरों दुखी हो जाना, उहदे नियमां दे विच ही मैं सुख दुख बना लैना। हुक्म लिख दुख सुख पाईएं, एक ना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा पवाईएं। कईआं नूं रब्बी नियम दे अंदर बख्शिश मिल जाती है, मैं किसी की मिठी जबान नाल सिफत करदा वह मैनू भी वडियाई दे दिंदा है, मैं किसी नूं बुरा कहना वह अगला मैनू भी चाल सुना जांदा है। उहदे नियमां दे विच ही मैं चाहे वडियाई खट लवां, बख्शिश हासिल कर लवां, उहदे नियमां विच चल के भावें मैं भटकदा फिरां। एक ना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा पवाई है, गल की हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई। सारी कायनात उहदे नियमां दे विच चल रही है, नियमां तों बाहर कोई भी नहीं है। इत्थों तक नास्तिक बंदा भी उहदे नियमां तों बाहर नहीं है। असीं कहिंदे आ कि राजे दे नियम ने वह मनने पैणगे, पर हो सकदा किसी राजे दे राज विच कुछ लोग बगावत कर देण, वह कहना असी राजे दे हुक्म नूं नहीं मनदे, हो सकदा वह बागी जिहड़े ने राजे दा हुक्म ना मनन कोई। पर रब ऐसा राजा है जिहदे राज विच बागी भी पैदा हो जाण, उहदा बगावत करन वालिआं नूं भी उस रब राजे दा हुक्म मनना ही पैंदा है। उहदे वर्गा कोई राजा नहीं दुनिया ते, कहो हर समान नहीं राजा। वह इन्ना वड्डा राजा है कि उहदे राज विच बागी भी पैदा हो जाण, उहनां बागियां नूं भी रब दा हुक्म मनना ही पैंदा है। कोई नास्तिक कहे मैं रब नूं नहीं मनदा, कोई नास्तिक कहे मैं उहदे हुक्म नूं नहीं मनदा, पर जदों उहदे हुक्म दे विच बुढ़ापा आउणा, चिट्टे केस आउणे ने सवाद ते, तां जे रब दा हुक्म टाल के दिखाए मैं नहीं बुढ़ा आउणा, फिर ही है ना बगावत। उस राजे दे राज च बगावत भी नहीं हो सकती, वह राजा समर्थ है। उस पातशाह दे हुक्म दे विच मौत भी आनी है, स्वाद तां कोई नास्तिक कहे भी मैं नहीं मरदा, मैं नहीं रब दा हुक्म मनदा, उहनूं हुक्म मनना ही पैंदा है। उहदे हुक्म दे विच कर फरमाइश खाया, वेख मेहनत मरण विसारिया, जर आई जोबन हारिया, जो बुढ़ापा आंदा है उदो जवानी हार जाता है, जो मौत आती है उदो जिंदगी हार जाता है। हुक्म है अंदर सब को, हर कोई मनुख के नियमों चल रहा है, नास्तिक नूं भी उहदे हुक्म मनने पैंदे ने। बाहर हुक्म ना कोई, उहदे हुक्म तो बाहर कुछ भी नहीं, सचमुच उहदे हुक्म तो बिना पत्ता भी नहीं हिलदा, उहदे नियम तो बिना पत्ता भी नहीं हिलदा। उहदा नियम यह गल कहिंदा है कोई पत्ता हिलाएगा तो हिलेगा, नहीं हिलाएगा तो नहीं हिलेगा, उहदा नियम है। उहदा नियम कहिंदा है हवा चलेगी तो पत्ता हिलेगा, नहीं हवा चलेगी तो नहीं मिलेगा, पत्ते नूं ऊर्जा मिलेगी तो हिलेगा, नहीं गति प्रदान होएगी तो नहीं हिलेगा, उहदा नियम है, अपने आप नहीं हिलेगा। उहदे हुक्म तो बिना पत्ता नहीं हिलदा, उहदे नियम तो बिना पत्ता भी नहीं हिलदा। हुक्मे अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मे जे बुझे, कोई उस नियम नु बुझ लवे
ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਂਪਲ, ਕੋਈ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਜਾਂ ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰੂਲ ਹੈ ਕੀਪ ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੱਜੇ ਹੀ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋ ਹੈ ਕੀ ਲੈਫਟ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹੇਗੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਣਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹੇਗੀ ਇਕੱਲਾ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕੀਪ ਲੈਫਟ, ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਰੂਲਸ ਨੇ ਖੱਬੇ ਚੱਲੋ, ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਖੱਬੇ ਚੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੱਬੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਤੀਜਾ ਟਕਰਾਓ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਚੱਲੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਯਮ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਲੋ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆਰਡਰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲੇਗਾ ਭਾਵ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾ ਪਏਗਾ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾਲੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੀਪ ਲੈਫਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜਦਾ ਉਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਲਤ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੇਟ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਯਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ। ਤੁਰਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪੈਰ 'ਚ ਕੰਡੇ ਚੁੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚੁੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਡੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਟੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਟੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸੜਕ ਛੱਡ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਦਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਯਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੁਖੀ, ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਬ ਲੱਗ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੁੱਝਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੇ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਵੇ, ਮੰਨ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਸਮਝਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਅਗਲਾ ਮਨਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਿਯਮ ਇਹ ਸਮਝਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦਾ, ਜਬ ਲੱਗ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੁੱਝਤਾ ਤਬ ਹੀ ਲੋ ਦੁਖੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁਖੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਖਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਰੂਲਸ ਸਿੱਖ ਲਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੋਈ ਕਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਉਹ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਸਿਖਾ ਦੇਗਾ।
जिस दिन समझ लेगा, पछाण लेगा उन्हां नियमां नूं, उस दिन तू सुखी हो जाएगा। जब लग हुक्म ना बूझता तब ही लो दुखिया, गुर मिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया। जदों गुरु नूं मिल के रब्बी नियमां नूं पछाण लेगा फिर सुखी हो जाएगा। उहदे हुक्म सिर ते ऑर्डर नहीं, उहदे नियम ने। वो डिक्टेटर नहीं है कि मर्जी दे नाल जिन्हों चाहे दुख दे दे सुख दे दे। उहदे कुछ नियम ने। जे दुखी हो रहा कदी ना कहीं रब ने दुख दिते ने। ये तो इस तरह जिवें कोई सूरज नूं कहे कि तुमनूं हनेरा दे दिता है, इस तरह कोई कहे रब नूं तुमनूं दुख दे दिता है। याद रखियो रब जे दुख दिंदा हुंदा ना, बड़ी बार गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ किया मैं, गिनती नहीं है, रब के अनेक नाम मैं मिले पर रब का एक नाम मेरे सामने नहीं आया गुरबाणी चो। कितों भी जो तुहानूं कितें नज़र आए तो जरूर दस्यो जे। रब का एक नाम मैं कितें भी नहीं मिलिया गुरु ग्रंथ साहिब दे विच कि रब दुखदाता है, कितें भी नहीं आया। हाँ ये आया भी रब सुखदाता है, तो कला सुखदाता ही नहीं रब सर्व सुखदाता है। इच्छा पूर्वक सर्व सुखदाता, हर सारे सुख देने वाला। दुखदाता कितने भी रब का नाम नहीं आया, यद मतलब वो सुख ही दिता, दुख दिता ही नहीं है। तो जे कोई कहे रब न तू दुख दिना है, ये तो इस तरह जिमें कोई सूरज न कहे तू हनेरा दे रहे हैं, तो सूरज कहेगा किड़ा हनेरा मेरे सामने लैके आओ, मैं तो कोई हनेरा मैं तो पता ही नहीं होंदा की है। सूरज के सामने कभी हनेरा लिया ही नहीं जा सकता। सूरज कहेगा मेरा काम तो रोशनी देना है, मैं तो पता ही नहीं अंधकार किस चीज़ का नाम है, मेरे सामने लैके आओ किड़ा हनेरा तुहानू मैं दिता। असी कभी भी नहीं लिया सकांगे क्योंकि सूरज हनेरा दिंदा ही नहीं है, वो सामने अंधकार आ ही नहीं सकता। सदा चित आनंद अकाल पुरख के सामने दुख आ ही नहीं सकता। फिर यह दुख आता कितों है, जे रब नहीं दे रहा तो फिर आता कितों मैं। गुरबाणी ने एक लफ्ज़ कहा सी, नदर उपुठी जे करे सुल्ताना कहो कराएगा। असी ये अर्थ करते हैं रब जो पुठी नज़र करता है ना उदो बादशाह नूं काई बना दिंदा है, है पुठी नज़र भी करता है। उत्थे पुठी नज़र नहीं लफ्ज़, उत्थे लफ्ज़ है ऊ पुठी नदर उपुठी जे करे। उपुठी मने उल्टे पास्यों पुठी, रब वालों पुठी नहीं साडे वालों पुठी। सूरज हनेरा नहीं दिंदा, देखी कितने तू ते नहीं सूरज वाल पिट करी बैठा। जो तो तेरी सूरज वाल पिट हो जाती है तेरे अगे हनेरा आ जाता है, वह नहीं दिंदा। उहदी ते नजर सारिआं ते चल रही, सबना उपर नजर प्रभ तेरी। वह तो हर जीव न अपन अखा के थलों गुजार दे, चितै अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएगा। सारिया की नज़र है वो उत्ते, पर नज़र पुठी उदों होंगी जो उल्टे पास्यों तेरे वालों पुठी हो जाए। जो तू मालक वाल पिट कर लैंदा है उदों तेरे अगे दुखा का हनेरा आ जाता है। इनू कहिंदे ने नज़र पुठी जे करे सुल्ताना कह कराएगा, दर मंगण तिख ना पाएगा। जिदन तू रब सूरज वाल पिट कर लैंदा तेरी जिंदगी दुखों का अंधकार छा जाता है, फिर रब न दोष ना दई उन्हें दुख दिते ने। तू क्या कर ददै दोष ना देऊ किसै, दोष करमा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवरजना। मैं ही कित ऐसे बीज बीज बैठता वा, ऐसे बीज बीज बैठा अज जी फसल मैं वढ़नी पै रही है, कि मैं यहोजे कर्म कर बैठा वा अज दुख भोग रहा हाँ। मैं क्यों दोष देव उस मालक न, दोष कर्मा अपने मेरा ही दोष, वो हुक्म के मैं हूँ ये फल भोगना पै रहा है, हूँ वो हुक्म टाल नहीं सकता। मेरे कर्म तो बाद हुक्म लागू होंगे, मैं जो बीज बीज दिना फिर वह हुक्म लागू हो जाता है, मैं किकर दे बीज बीज दिना वह हुक्म लागू हो जाता, इनू कंडे दे दौ फिर मैं कह मालका मैं अंब दे दे,
ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਦੇ, ਬੀਜੀ ਹੋਵੇ ਕਿੱਕਰ, ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਜੋਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਜੋਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ, ਬਜੋਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਧੀਆ ਅੰਗੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਜੋਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਿਆ ਜੱਟ, ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਨੂੰ ਕੰਡੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਬੀਜ, ਮੈਂ 1000 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਬੀਜ, ਮੈਂ 1000 ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਜੋ ਤੂੰ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਸ ਆਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ, ਆਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਿਯਮ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਜ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ, ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ, ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੱਜ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ, ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ? ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਜੱਜ ਬੜਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਜੱਜ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਉ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੱਜ ਦਾ ਆਰਡਰ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਫਾਂਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜੱਜ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਨਸਾ ਕਿਉਂ ਦਿਬਾਣੋ ਕੋਈ ਭੱਜ ਨਸ ਨਿਕਲੇ, ਹਰ ਦਿਬਾਣੋ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉਂ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਂ, ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨਿਚਲ ਥਾਓ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਅਲਾਓ, ਅਲਾਓ ਮੈਨੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਰੱਬ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੋਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੱਜ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸੱਚਾ। ਜੱਜ ਧੋਖਾ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਅਲਾਓ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁੱਝੇ ਸਭ ਭਾਓ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇਹਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰੱਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਪੂਰਨ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਖ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰੱਤੇ ਸਿੱਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ, ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚੋਲ ਕਰਦਾ। ਹੰਸ ਸੇ ਹੰਸਾ ਬੱਗ ਸੇ ਬੱਗਾ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜੀਓ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਡਰੈ ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਮ ਦਾ ਧਰਮੀ ਵਿਕਸਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ
बरी कोई सुन के कहेगा जज बड़ा पक्षपाती निकलिया, जिन्हें सारा केस सुनिया उन्हें पता है कि जज ने किसी नियम के आधार पर फैसला सुनाया है, कर्म के आधार पर, जिदे कर्म बुरे सन उन्हें फांसी है, जिदे कर्म चंगे सन उन्हें बाइज्जत बरी है, यह उसका नियम है। यही अज के वचन कत्तक कर्म कमावणे दोष न कहो योग, किसी दोष देना योग नहीं है। मनुख जिहड़े कर्म कर रहे हैं उहदे फल भुगने पैंदे ने। कत्तक कर्म कमावणे दोष न कहो योग, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रो। जीवन दे विच जिहो जे कर्म किते उहो जे फल भुगने पैंदे ने, किसी नूं दोष देना योग नहीं। परमेश्वर नूं भुल के जीवन विच सारे दुख सारे रोग प्रगट हो जाते हैं। बेमुख होए राम ते, इहनूं कहिंदे ने पिठ हो जाणी, सूरज वल पिठ कर लैणी ते हनेरा आउणा ही है ना। बेमुख मैंने रब वालों मुख मोड़ लैणा, रब वल पिठ कर लैणी, जिद्दण उस महान सूरजां दे सूरज प्रभु वल पिठ कर लैंदा, सदा चित आनंद वल पिठ कर लैंदा, तेरे अगे दुख आ जांदे ने। बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग, जन्मां दे विछोड़े तेरे जीवन च पैदा हो जांदे ने। खिन मैं कौड़े होए गए जितड़े माया भोग, मायक पदार्थां दे भोग, मायक पदार्थां दीआं मौजां इह वी दुखदाई हो जांदीआं ने। विच ना कोई कर सकै किस ठहरो वै रोज, कीता किछू ना हो बई लिखिया तुर संजो। इत्थे विच दे चचे नूं औंकण पा विचोला, विचोला कोई नहीं बन सकता। फिर जिहड़े कर्म भोगने पैंदे ने, विच ना कोई कर सके, विचोलापन कोई नहीं कर सकता। किस ठहर रोवै रोज, कहन लगे किहड़े मनुख दे अगे रोज अपने दुख रोई जांदे, उन्हें तेरा विचोला नहीं बन सकना। तू किसी अगे दुख फोलदे हो अपनी पंड लैके बह जाता है, किस पै खोलो गंठड़ी दुखी पर आया, जिदे अगे गठ खोलता अपन गठा ले बैठे ने, दुख किया पंडा खुलियां सुख ना निकलियो कोई, जिन्हें पंड खोली दुख ही निकलिया। इस करके किदे अगे रो रहे हैं, वो आप दुखी है। कोई किदे किन्ने तेरा विचोला बनना है, विच ना कोई कर सकै किस थैं रोवै रोज, कीता किछू ना हो वई लिखिया तुर संजोग। कह लगे तेरे किते कुछ नहीं होना, लिखिया तुर संजोग। तुर संजोग बड़ी लंबी विचार है, अगे नाल ही पंक्ति है, वडभागी मेरा प्रभु मिले, वड्या भागां दे नाल मेरा प्रभु मिलता है। फिर संजोग किहड़े होए, लिखे हुए तुरों। असी जो तुर संजोग कहने ना लिखे हुए, असी सीधा चले जाने रब तुर वल। मनुख का अपना एक तुरा है, असी कहने ना मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। उत्थे रब दे मूल की गल नहीं की, अपना मूल तेरा कोई तुरा है। तेरे चंगे भाग या मंदे भाग जो जागते ने उदो तुरा होंगे। भाग किवें जागते ने, मंदे भाग किवें जागते ने, चंगे भाग किवें जागते ने, किहड़े लेख लिखे हुए ने साढ़े मत्थे ते। याद रखियो मत्थे विच हुंदी है मत, ते मत विच हुंदे ने विचार। जदों भी कोई विचार प्रगट हुंदा है वह बीज रूप हुंदा है, हर विचार बीज हुंदा है। जदों भी कोई विचार प्रगट होया मत दे विच, एक बीज निर्मित हो गया, कोई विचार लिखिया गया मत विच, वह बीज बन गया। तो बीज एवें नहीं पुंगर आते, बीज नूं बकायदा जमीन चाहिए है, माहौल चाहिए है, बकायदा उन्हूं रुत चाहिए है। बिना रुत तो बीज नहीं उगते होंगे। जे एक होए तो उगवै रुती हूँ रुत होए, रुत चाहिए। उदाहरण के तौर पर किसी मनुख के मन के मत्थे की मत विच एक विचार लिखा गया, एक बीज प्रगट हो गया कि लोग शराब पीते ने, अपना घर घट दा ला देंगे ने, अपनी माया गवा लेंगे ने, जमीन जदाद विक जाती है पर शराब नहीं छड़दे, इहदे विच है की? क्योंकि लोग सब कुछ वार देंदे ने इस नशे की खातर। यह तो मैं सुनिया पढ़ाई नहीं की, क्यों जी पैसे ही नहीं सी। पर कदी सुनिया भी इन्हें मैं शराब नहीं पीती, क्यों जी पैसे ही नहीं सी।
गरीबी करके पढ़ाई ना करते हजारों लोग मिल जाएंगे, पर गरीबी करके नशे ना करता कोई नहीं मिलेगा तुम। एक विचार प्रकट हो गया भी ऐसी चीज की इस नशे शराब दे विच कि लोग सब कुछ छड़न को तैयार हो जाते हैं। जो ये विचार का बीज प्रकट हो गया कभी मैं भी टेस्ट करके देखा, उस मनुख के मन से विचार पैदा हो गया कभी मैं भी देखा तो इसी चक के है कि भला है, पर नाल ही मन च आए भी मेरा समाज के सत्कार है, इज्जत है, माण है, लोग की कहेंगे गल की। बीज प्रगट हो गया, लेख लिखा गया मत्थे की मत दे विच, शराब मैं टेस्ट करके कभी देखा किहो जी है। बीज तो बन गया, बीज सौ रहा है, अजे रुत नहीं मिली, माहौल नहीं मिले, 2 साल 4 साल 5 साल लंघ गए, बचपन के मित्र इकट्ठे हुए, महफिल जमी, उन्होंने बोतल कढ़ के रखी, कहन लगे इत्थे कड़ा कोई देख दिया बचपन के मित्र, टेस्ट तो करके देख। हुण रुत मिल गई, माहौल मिल गया, वह जो मत्थे की मत विच विचार लिखा गया सी बीज वह पुंगर गया, जाग गया। वो आखते हाँ इत्थे कड़ा कोई देख रहा है, इच्छा सी ना, उन्हें पीनी शुरू कर दी, मंदे भाग जाग गए, मत्थे दे लेख प्रगट हो गए, जिहड़े तुरंदर लुकाई बैठा सी बीजां नूं अज प्रगट हो गए। दूजी उदाहरण, किसी दे मन च विचार पैदा हुई भी ये गुरुद्वारे लोग जांदे ने कथा कीर्तन सुनते ने है कि, मैं कदी गया नहीं, मैं जाके कदी देखा तो सही। हुण मत्थे दे विच विचार लिखा गया, तुरा अंदर एक विचार लिखा गया मत दे विच, बीज निर्मित हो गया, 2 साल 4 साल 5 साल लंघ गए, 4-5 दोस्त मित्र इकट्ठे हुए, कहने लगे गुरुद्वारे चलिया तू क्यों नहीं जाता नाल, चल साढ़े आ मथा टेक के आईए, कथा सुन के आईए, कीर्तन सुन के आईए। वो इकट्ठे हो के आए, बीज नूं रुत मिल गई, माहौल मिल गया, अज वह गुरुद्वारे आ गया, अज उन्हें कथा कीर्तन सुनी, चंगे भागां दा बीज जाग गया। इहनूं कहिंदे ने पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटियो, ते पूर्व का भाव पिछला जन्म नहीं, पूर्व का भाव पिछला, बस जन्म नाल नहीं, इत्थे पास्ट ते पिछला एक सैकंड पहला भी हो सकता है, एक दिन पहला भी हो सकता है, एक साल पहला भी हो सकता है, 10-20-50 साल पहला भी हो सकता है, पास्ट पिछला पूर्व, वह जिहड़ा बीज सी अज अंकुरित हो गया, पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटियो, भेटियो पुरख रसक बैरागी, चंगे भागां दा बीज जाग पिया, चंगे भाग जाग पे, मत्थे दी लिखी हुई मत दा वो लेख प्रगट हो गया, जिहड़ा सोच विच विचार पर लिखिया गया सी अज वो प्रगट हो गया। जिहो जिहे किसी दे विचार हुंदे ने कदी ना कदी वो कर्मां दा जामा पहन नहीं लैंदे ने, कदी ना कदी वो प्रैक्टिकल करदे ही करदे ने। हर जन केवड़ भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिलै तृप्तासें, मिल संगत गुण प्रगास, जिन हर 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 नाम ना पाया ते भागहीन जम पास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, तन तन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जा नानक नाम प्रगास। जिन्हें मत्थे दे विचार शुभ सन अज कर्मां दे रूप च प्रगट हो गए, सतसंगत जुड़े बैठे ने, तुर अंदर मस्तक दे विच विचार वो साढ़े बीज ने, रुत आउंदी है वो जाग जांदे ने, भाग बीज प्रगट हो जांदे ने, किसी दे चंगे ने किसी दे बुरे ने। इहनूं आखदे ने लिखिया तुर संजोग, वडभागी मेरा प्रभ मिले, वड्डियां भागां सदका मेरा प्रभु मिल जाए तां उतरे सब वियोग, मेरे सारे विछोड़े खत्म हो जाण, नानक कहो प्रभ राख लेहे मेरे साहिब बंदी मोज। ये प्रभु अपने दास पंजवें गुरु नानक आखते ने, रख लो मेरे साहेब बंदी मोच, मेरे साहेब बंधना तो छुड़ाने वाले, मेरी सोच मेरे विचार विच शुभ गुणा के बीज भर दौ, ताकि मेरा बचाव हो सके, कत्तक हो मैं साध संग बिन सह सबे सोच। आ जड़िया मेरे सोचा ने बुरे विचार के बीज, मैं गुरमुख जनां की संगत करा, चंगी सोच मेरे अंदर पैदा हो जाए, चंगे विचार पैदा हो जाए, बुरिया सोचा बुरे विचार मेरे खत्म हो जाए। इस करके कत्तक हो मैं साध संग, कत्तक हो वै साध संग बिन सह सबे सोच। गुरमुख जनां की संगत मैं करा, मेरिया विकारां दीयां सोचां खत्म हो जाए, शुभ जाग जाए, गुण जाग जाए। जिहड़े गुरमुखां की संगत करके चंगे गुण ग्रहण करन लग जाते हैं, वो कत्तक के जीवन के जीते हैं, फिर उन्हां दा आत्मक जीवन
कत्तक विच पहुंच जाता है। अगले बचन मगर दे कल विचार करांगे। होइयां बेअंत पुन्नां खिमा करनियां जी, मिल के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।